हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इंग्लिश हिंदी का बहुत प्रॉब्लम होता है कि हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं। तो सिंपली मैं बता दूँ कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाती हूँ। और अगर किसी को इस क्वेश्चन पेपर का PDF इंग्लिश में चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप है कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से, वो आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा जो कि इंग्लिश और हिंदी बायलिंगुअल है, दोनों में है। तो जो जिसमें भी कंफर्टेबल है वो उसको देख सकता है। आंसर्स की मैंने जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। और इंग्लिश वाले भी उसमें हैं और हिंदी वाले तो मैं करवा ही रही हूँ, बाकी हिंदी का भी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जो आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ एक आध कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे, और 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैथ्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है। टोटल 140 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। वीडियो लंबी भी हो सकती है, भगा भगा के भी वीडियो को देख सकते हो, और वीडियो नहीं देखनी है, आंसर्स चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसको देख सकते हो, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीज़ें समझाने वाली भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी मैं, तो उसके लिए आपको फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। और PDF बहुत ज़्यादा वाला मिक्सअप हो गया है, बीच में मैथ्स भी इंक्लूड हो गई है। पहले मैंने ट्राई किया था कि स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चंस में जो CDP टीचिंग एप्टीट्यूड मिक्सअप है सारा उसके रखो, बट बीच में मिक्सअप हो गया है, तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि संयुक्त प्रयास को बाकी कक्षा के साथ साझा करना एक अध्ययन अभ्यास है जो बच्चों को करता है, ठीक है। जो हम संयुक्त प्रयास करते हैं और बाकी कक्षा के साथ जब हम उसको शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे निराश हो जाते हैं, असंतुष्ट, चिड़चिड़े हो जाते हैं? नहीं, वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है, प्रोत्साहित होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का एक सिद्धांत नहीं है। तो अध्ययन के जो बेसिकली मैंने सर्च किया गूगल पे, 8 सिद्धांत है, 8 में से 1, 2, 3 सिद्धांत ये वाले हैं यहाँ पे, लेकिन व्युत्क्रमणीयता विकसित करना ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भावनाएं प्रभावी रूप से डैश के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। तो भावनाएं हम संगीत के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं अपनी, कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, ग्राफिक कला, कठपुतली भी, लेखन भी, लेकिन जो हम कहते हैं कि बिल्कुल जो ज़्यादा जो पावर जा रही है अभी, वो लेखन के उस पर जा रही है, तो बेसिकली राइटिंग के माध्यम से। ये चारों ही तरीके हैं अभिव्यक्ति के, भावनाओं को बताने के, लेकिन हमें एक चुनना है, तो लेखन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, और एक क्वेश्चन आता है, डैश का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है हमारी, ठीक है, जो सामाजिक संरचनावादी, वो NCF के अंदर बोली गई है, NCF 2005 के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है, अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश को प्रबंध तकनीक से संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर है योजना, ठीक है, आप कोई भी चीज़ के पहले प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषाविद होते हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दकोश और व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक बालक डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। तो 4 वर्ष की उम्र में बच्चा ऐसा करता है, वो एक अपनी भाषा बनाता है और वो भाषा कहीं ना कहीं व्याकरण के नियम भी उससे मेल खाते हैं। तो 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कितनी भाषाओं में 3 से कम स्वर है। बहुत कम भाषाएँ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 की बात करें, डैश ने विचारण की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया है। तो अनुसंधान, रिसर्च करना, ठीक है, ये सब नहीं आएगा, परीक्षण, समीकरण, प्रदर्शन, ये सब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जब एक बालक समझी हुई वस्तु को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, करते समय 2 प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो संतुलन कहा जाता है, यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अनुकूलन और संतुलन में मुझे, बट मुझे जो इसका गूगल करने पे आंसर मिला वो संतुलन है। बट इस क्वेश्चन पे आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, एक बालक की संज्ञानात्मक विकास अवधि में ठोस परिचालन अवधि डैश होती है। भाई कुछ वर्ड्स बहुत हैं हिंदी के जो शायद नहीं समझ आए आपको, तो आप लोग इंग्लिश वाला PDF जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हो जाके। तो 7 से 11 वर्ष, ठीक है, ये प्याजे की जो हमारी 4 स्टेजेस है उसमें से एक स्टेज है, ठीक है। तो ठोस परिचालन जो अवधि होती है वो 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 4 होती हैं प्याजे की, पता है,
सबको पता होगा वैसे, नहीं पता है। ओके, तो पहली होती 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 7, फिर 7 से 11, ठीक है। उसके बाद हमारा 112 है, विद्यार्थियों को एक दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपक से सूचना प्राप्त करने में डैश सहायता करना डैश कहलाता है, तो प्रदर्शन है, ठीक है। इसलिए जब आप बच्चे के सामने कुछ प्रेजेंट करते हो, दृश्य और स्मरण के बच्चा देखे और उसको स्मरण करे, याद करे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 113 की। संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो पूर्व संख्या संकल्पनाएं जो प्री नंबर्स कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को स्टार्टिंग में हम बेसिकली वही सिखाते हैं, ठीक है, आगे परसू करने के लिए मैथ्स के लिए। डैश गणित अध्ययन प्रक्रिया की के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत है। तो जो गलतियाँ होती हैं वो एक गणित में अनिवार्य भाग है, बच्चा गलतियाँ करता है तभी आपको पता चलता है कि क्या कि चीज़ बच्चे को सिखानी है, कहाँ उसको समझ नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक अनुभव नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन बड़े नंबर कटवाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सा एक नकारात्मक अनुभव नहीं है जो बच्चे गणित के साथ अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे है उक्त में से कोई नहीं, प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, सकारात्मक आदर्शों का अभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा नकारात्मक अनुभव नहीं है जो बच्चे गणित के साथ अनुभव करते हैं, ठीक है। तो अनुभव नकारात्मक अनुभव नहीं है, मतलब ये नकारात्मक अनुभव है सारे, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चे मैथ के साथ फील नहीं करते, ठीक है। कभी कभी उनको प्रतिकूल विद्यालय का वातावरण मिलता है, ठीक है, और कभी कभी उनके सामने जो हमारे पॉजिटिव आइडल्स होते हैं उनका अभाव होता है, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता, ठीक है। तो उक्त में से कोई नहीं, मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नकारात्मक अनुभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे नकारात्मक अनुभव है, बच्चे फील करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चों की सोच और डैश प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, सोच समझ और डैश प्रक्रिया के, तो प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है, गैसों का व्यवहार किसने खोजा, तो रॉबर्ट बॉयल ने। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक भारत में शहरी जीवन की समस्याओं का एक मुख्य कारण है, तो प्रवसन, माइग्रेशन। 126 है, डैश राष्ट्रीय वफादारी का भाव मन में बैठाती है और तकनीकी नवाचार के आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की संकल्पनाएं डैश द्वारा विकसित की गई हैं, तो ये है हमारी MN श्रीनिवास जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से एक सामाजिक विकास का रूपरेखा बनाने में शामिल नहीं है, नहीं इन्होंने पूछा है, तो प्रशासन चलाना है, नीति की आयोजना है, सौंपना है, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है, ठोस दृष्टांत, मौखिक दृष्टांत होता है और चित्रात्मक दृष्टांत होता है, लेकिन गैर मौखिक दृष्टांत नहीं होता है। तो 130 है, एक व्यवसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रदर्शन विधि, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 131 है, स्कूली विषयों में सर्वाधिक जोर डैश से सीखने से जुड़ा है, तो गणित। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, जो कि रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो रीजनिंग के यहाँ पे 3 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, मुझे नहीं समझ आ रहे थे, तो उनके मैंने आंसर स्टिक कर दिए हैं, तो वो आप अपना देख लेना। बाकी के 17 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। यहाँ पर है, चिन्हित संख्याओं के साथ कागज़ को एक घन के आकार में मोड़ा जाता है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये घन है पूरा, ठीक है, जो हमारा डाइज होता है। 5 के विपरीत, तो 5 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 2 के नीचे 3, 2 के मतलब इस तरीके का अगर डाइज आता है, खुला हुआ ओपन डाइज आता है, तो इस तरीके से ओपन डाइज आता है, तो आप बिल्कुल ऐसे एक छोड़ के एक ले सकते हो, ठीक है, एक ट्रिक होती है इसकी। तो 2 के अपोजिट में 3 आ जाएगा, 1 के अपोजिट में 4 आ जाएगा और 5 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, ठीक है, बीच में 1 का गैप कर दोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब भिन्न को चुनिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक बोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे एक जैसे हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, और स्टेबलाइजर अलग है। स्टेबलाइजर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कूल के प्रधानाचार्य को खाने के विराम के दौरान, मतलब जो लंच होता है सिस्टम हमारा विद्यालय प्रांगण में, जो विद्यालय का जो ग्राउंड है, में बदमाशी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वह जांच करना चाहते हैं और इस स्थिति को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। अतः वह शिक्षकों से निकटता से ध्यान देने को कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्रवाई करने की आवश्यकता है? तो इसमें ए ऑप्शन में ही सही लग रहा है कि चार लड़कियों ने एक लड़के को घेर रखा है और उसके बैग पर काबू पा लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये मतलब कुछ ऐसा होगा, हो सकते हैं, बट अभी जो हमारा जो मोस्टली हम जिसको हम मानेंगे तो फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑपोजिट, दर्पण में, मिरर में, तो ये हो जाएगा उल्टा दिखता है। समरूपता पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे देखो A1 C3, ठीक है, नंबर है ये सारे, E5 G7, तो A4, ठीक है, मतलब सॉरी A1 D4, यानी तीन का गैप है, तीन प्लस हो रहा है, C3 पे है और F6 पे है, यानी 3-3 का गैप आ रहा है प्लस में। अब यहाँ से आप लोग देख लो, Z है, Z में 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, कितना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे, यहाँ से वाला, ये वाला निकालना है हमें, ठीक है, यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से ये प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये प्लस हो रहा है, प्लस 3-3 करके हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये वाला तो दिया ही नहीं है, तो हमें ये निकालना है और ये हमें दिया है, यानी ये जो ये वाला जो हमारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ये हमारे प्लस 3 होके आए हैं, तो इनमें से आप -3 कर दोगे तो यहाँ वाला डिजिट आ जाए, वो जो नंबर वो अल्फ़ाबेट्स है वो आ जाएंगे। तो जेड हमारा 26 पे है, ठीक है, तो 26 में आप लोग 3 माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा, 23 पे हमारा W होता है, ठीक है, और W यहाँ पे आप खुद ही देख लो, W स्टार्टिंग में किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही से पता चल गया है, तो रीजनिंग का ये बहुत बड़ा, बाकी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और समरूपता पूर्ण कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके बीच में सिमिलैरिटी बतानी है, तो यहाँ पे देखो जो 8 है वो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ गया। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करोगे, 3 × 3 × 3 × 3 3 3 = 9 9 3 = 27 27 + 1 = 28, ठीक है, इस तरीके से ये नंबर सीरीज हुई है, और नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, पता नहीं लगता कि कौन सी ट्रिक यूज़ होगी। ओके, उसके बाद हमारा 27, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, अब 27 है, ठीक है, 27 में ये 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27, ठीक है। अब 3 का एक और नंबर 4, उसके बाद वाला, यहाँ पे 2 का 3 लिया था, तो अब 4 करोगे तो 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 = कितना होता है, 16, और 16 को 4 से करोगे तो 64 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, इसका आंसर ए है, अगर किसी को आता हो तो थोड़ा सा कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे भी समझ आ जाए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके, ये देखने से ही पता चल रहा है टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो वो देखने पर ही पता चल रहा है, ऐसे ऐसे लगाओगे इसको फिर ये वाली यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसको भाई काउंट करके देख लेना, हालत बहुत बुरी हो रखी है इस पेपर की, तो इसमें जो टोटल आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो 18 बन रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा चित्र यात्रियों, रेलगाड़ी और बस में सर्वोत्तम संबंध दर्शाते हैं? को सीधी सी बात है, जो यात्री होते हैं वो रेलगाड़ी में भी जा सकते हैं और बस में भी जा सकते हैं, ठीक है, बस में भी होते हैं, रेलगाड़ी में भी होते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे एक्स के पूर्व में वाई है, तो एक्स के पूर्व में वाई है जो जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में हो गया ये, यदि जेड के दक्षिण में पी है, तो यहाँ पे जेड के दक्षिण में पी कर दो आप लोग, तो वाई के किस दिशा में पी है, तो वाई के किस दिशा में पी है आपको बताना है, तो वाई के पी, ये दक्षिण दिशा हो गई ना, तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्रेटर डिफरेंट है, क्रेटर का मतलब क्या होता है ये आप बताओगे, ये तीनों हमारे भूकंप से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, देखो यहाँ पे ना मैंने गूगल किया था इसको, तो गूगल पे तो अलग ही ट्रिक लगी है, मैंने अलग ट्रिक लगा के इसको सॉल्व किया है, 4 का डबल हो गया 8, 1 का डबल हो गया 2, 3 का डबल हो गया 6, 5 का डबल 1 नहीं होता है, तो बी ऑप्शन अलग है,
यानी सही है लेकिन फिर भी गलत है, यानी कि अलग है, या फिर भिन्न बताना है, डिफरेंट बताना है कि तीनों में से, चारों में से सबसे अलग कौन है, तो बी ऑप्शन। उसके बाद हमारा 27 है, ये मेरे फेवरेट वाले क्वेश्चन हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक ये नंबर अल्फ़ाबेट्स वाले और एक ये वाले क्वेश्चंस रिलेशन वाले। यहाँ पर है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनी है, सी और डी बहनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है, ए का पुत्र, एक सेकेंड, यहाँ पे डी, ठीक है, ए का पुत्र, इसका जो पुत्र है, ये दोनों बहने हैं, डी का भाई है, यानी ये ए की इसकी बेटी हो गई ना, ठीक है, इसका भाई है तो इसकी बेटी हो गई है। अब उसके बाद इन्होंने बोला बी का सी से क्या संबंध, तो बी सी का क्या लगेगा, ऑब्वियसली बात है चाचा या ताऊ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, तो चाचा इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है भाई, इसका जो हिंदी में ऑप्शन गलत है, हमेशा रिलेशन वाले क्वेश्चन करो, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है आंटी जो हम बोलते हैं आंटी पे, जैसे यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो बुआ का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे चाची ऑप्शन में है, बहन ऑप्शन में है, बेटी ऑप्शन में, भतीजी ऑप्शन में है, तो उस अकॉर्डिंगली उसमें अगर कन्फ्यूजन है ऐसा, तो इंग्लिश वाला देखा करो, इंग्लिश वाला सही माना जाता है वैसे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, ये एक औरत है, ये राजन है, ठीक है, राजन ने कहा वह उस औरत की बेटी है, ये जो ये औरत है, ठीक है, क्या नाम है इसका, हाँ नाम नहीं बताया, तो ये जो औरत है ये उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माता है। देखो, इसके माँ के पति की माता यानी इसकी दादी हो गई, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ठीक है, दादी है, ठीक है, और ये इसकी बेटी है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि उस औरत का राजन से क्या संबंध है, जब ये इसकी बेटी है दादी की, तो दादी की बेटी इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो चाची इसका सही आंसर मतलब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। अभी हमारे पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं, बीच में मर्ज हो गए हैं, कोशिश तो करी थी सीक्वेंस में बनाने की। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए विकासात्मक डोमेन नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, जैविक डोमेन। कहीं कुछ गलत आंसर्स बताए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगी, क्योंकि मतलब बहुत ज़रूरी है, चीज़ें मुझसे भी गलती हो सकती है, वैसे मैंने कोशिश की है, कल मैंने 3 से 4 घंटे दिए हैं इसको सॉल्व करने में अलग अलग जगह से, कि चीज़ें सही ही निकल कर आएँ सामने, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 194 है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं, तो भाषाई कौशल। जब बच्चे आयोजना में शामिल होते हैं तो यह डैश छोटे बच्चों की विविध विविध अध्ययन शैलियों और उनके व्यक्तिगत अंतरों के लिए डैश को मदद करता है, किसको मदद करता है, शिक्षक को। छोटे बच्चे एक कार्य के लिए डैश मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते छोटे बच्चे। उसके बाद है, अगर आप छोटे बच्चों को मेरा परिवार से रिलेटेड कुछ क्रियाएं करवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं क्लास में, तो उससे बच्चों में स्व जागरूकता के सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 198 है, डैश एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षक एक घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है, तो कथन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से एक अध्ययन यंत्र नहीं है, ठीक है, तो अध्ययन जब आप कर रहे हैं, समीक्षा कार्य, समूह कार्य, निगरानी कार्य, ठीक है, जितना मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा के क्यों नहीं है गृह कार्य, वो गृह कार्य भी एक अध्ययन है, बच्चा अध्ययन कर रहा है, लेकिन गृह कार्य कहीं ना कहीं जो उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया था आंसर में, तो उसमें यही था कि जो गृह कार्य है वो कहीं ना कहीं बच्चा डर में या दबाव में करता है, ठीक है, समीक्षा कार्य, समूह कार्य, निगरानी कार्य, ये बच्चा मतलब क्लास में, ऑब्वियसली बात है क्लास में इतनी चीज़ें दबाव में नहीं होती, गृह कार्य शायद बच्चा समझ सकता है, तो ऑप्शन यही है आंसर ए जिसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में शामिल नहीं है, तो आयुर्वेद में विश्व विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, शल्य क्रिया शामिल है, लेकिन मनोविज्ञान शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, लुप्त पद आपको ज्ञात करने हैं, देखो बी 2 पे आएगा, एक्स अपना किस पे आएगा, 24 पे, फिर सी 3 पे आएगा, यू हमारा आएगा 21 पे, ठीक है, तो अब इसको हिसाब लगा लो, डी 4 पे आ गया, आर कितने पे आ गया हमारा, 18 पे, ठीक है, अब 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, फिर 4 से ये ई 5 पे आ गया, 5 से 6 पे जाएगा यानी ई आएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 24 से 21 पे आया, यानी 3 माइनस हुआ है,
फिर यहाँ पे 3 माइनस हुआ है। अब 18 से 3 माइनस करके हमारा ओ आया। अब ओ से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, फोर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बी टू सी थ्री डी फोर ई फाइव, ठीक है। और उसके बाद ई के बाद हमारा एफ आता है, सॉरी सॉरी एफ आएगा, ठीक है, एफ आ गया। उसके बाद हमारा माइनस थ्री थ्री, ओ में से 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना, 12। 12 नंबर पे हमारा क्या होता है, क्या होता है, मैं खुद भूलती जा रही हूँ, भी प्रैक्टिस नहीं है तो के 11 पे होता है के एल, हाँ ठीक है, एफ एल, तो एफ एल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा था, कुछ क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते हैं, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे, आप इसको पढ़ लेना और इसको सॉल्व करके देख लेना, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और सेम क्वेश्चन ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, बहुत कोशिश की है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप देख सकते हैं अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर बोला है कि घन बिना मोड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बोला है इन्होंने, ठीक है, कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ये बनाया जा सकता है, नीचे नीचे ये आ जाएंगे, दिखेंगे अगर आप इसको मोड़ोगे तो, ठीक है, और ये दोनों सर्कल नीचे आमने सामने नहीं आएंगे, ये आमने सामने जा रहे हैं, एक साथ साथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 भी मुझे समझ नहीं आया, इसको देख लेना, ठीक है, नहीं देख मत लेना, इसको आता है मुझे, ये समझाती हूँ इसको मैं, एक सेकंड से, सॉल्व किया था मैंने इसको कल, लेकिन शायद मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार सॉल्व किया है, मेरा आंसर निकल गया था, मुझे समझ भी आ गया था, क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैंने बताए थे, तो 3 क्वेश्चन, एक ये और एक ऊपर और एक अभी सीरीज सॉल्व करनी थी, वो मुझे नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है तो, लेकिन मैं समझा नहीं रही हूँ, काफ़ी बड़ा सा है, अजीब सा, तो मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगी, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आंसर 41% है, सॉल्व किया था मैंने इसको। देखो राम और श्याम ने 1989 में 3000 रुपये बचाए हैं, तो 1990 में राम ने 1989 की अपेक्षा 8% से अधिक की बचत की है, तो 3 हज़ार का आप 8% निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको 3000 में से माइनस कर देंगे, तो जितना माइनस करेंगे वो फिर किसका, श्याम का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, काफ़ी खिचड़ी से पक गई थी मुझसे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद डैश और डैश प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और सांस्कृतिक विकास का मौलिक अधिकार देते हैं, तो 29 और 30। क्वेश्चन नंबर हमारा है 186, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने की है, NEP 1986। असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया, 1926। शिक्षण अध्ययन का उद्दीपन मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है, यह परिभाषा किसने दी है, बर्टन ने दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो दोहराई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा 190, एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि एक बालक के डैश विकास में संलग्न होती है, कौन सी होती है भाई, हमारी शारीरिक डोमेन भी और मनोवैज्ञानिक डोमेन भी। 191, वे बच्चे जिन्हें सोचने और अभिव्यक्ति की मानसिक गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते, वे अक्सर होते हैं, क्या होते हैं, वो शर्मीले होते हैं। 192 है, जी जैकोब्स के अनुसार सामूहिक गतिविधियों का मूल्य बढ़ाने के लिए संकल्पनाएँ और तकनीकें डैश कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, सहयोगी अध्ययन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 177 है, इधर इतिहास सामग्री प्राथमिक रूप से भारतीय इतिहास डैश पर डैश में केंद्रित होती है, तो कक्षा 6 से 8। डैश का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, इतिहास। स्थानिक विश्लेषण एक भौगोलिक वितरण और पैटर्न में डैश के बीच संबंधों को देखता है, तो तत्व जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, डैश के भूरूप और उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है, तो भूभौतिक विज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, शिक्षण एक प्रक्रिया होने के नाते उसकी पहले आयोजना की जानी चाहिए और बाद में किया जाना चाहिए, क्या, ऑब्वियसली बात है, एक्सक्लूजन आप कब करोगे, जब वो आयोजन हो जाएगा, ठीक है, आयोजन होता है फिर उसको निष्पादित किया जाता है।
182 है, डैश एक प्रक्रिया के माध्यम से रचित होना चाहिए जिस अनुभवों का एक विनिमय शामिल है और एक आवक बहुल भाषा मित्रवत वातावरण में दूसरों को दिखाना शामिल है। तो ज्ञान, ठीक है, जो ज्ञान है, ज्ञान एक प्रक्रिया के माध्यम से रचित होना चाहिए जिसे अनुभवों का एक विनिमय शामिल है और उस आवल बहुल भाषा मित्रवत वातावरण में दूसरों को दिखाना शामिल है। 183 है, डैश एक अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत में मूल्यांकन है जो प्रकृति से निर्धारक है। डैश एक अवधि अंत में, जो हम अंत में बच्चों का जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन। 184 है, अंग्रेजी में 26 अक्षर सुनने और बोलने के लिए डैश ध्वनियों को संकेतित करते हैं, तो इसका आंसर है 44। अब है हमारा 169, अंग्रेजी बोलने की ध्वनियों के अंतर्गत कितनी नासिका से बोली जाती है, तो 3 इसका आंसर है। 170 है, डैश एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है, पूर्व सर्व, जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है, तो विशेषण, निश्चय नहीं है कुछ भी इसका कि भाई ये निश्चय ऐसा ही होगा। 172 है, किसने शिक्षा के त्रिध्रुवीय क्वेश्चन पूछे जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जॉन डीवी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 173 है, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परीक्षण उन्मुख है, ठीक है, जरूरी नहीं है, सत्य नहीं पूछा है, अद्वैता उन्मुख है, मतलब हर स्टूडेंट को लेकर है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी इनकी जीवन उन्मुख है, आगे जीवन के बारे में भी आगे, मतलब ऐसा नहीं गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है, और आवश्यकता उन्मुख है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो नीड्स है वो होती है ना एजुकेशन, आप अकॉर्डिंग टू नीड ही तो ले दो, ऐसा तो नहीं है कुछ भी पढ़ लिया जाके जो गैर औपचारिक हो गई उसमें, ठीक है, तो यह परीक्षण उन्मुख है, जरूरी नहीं है सिर्फ पेपर ही कंडक्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। 174 है, शिक्षा के सिरे शिक्षा के डैश के आधार पर निर्धारित होते हैं, किसके आधार पर, उद्देश्य, लक्ष्य। 175 है, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुई, तो गुरुकुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 176 है, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन डैश के नेतृत्व में आरंभ हुआ, तो बेकन और कॉमेनियस। उसके बाद है हमारा 163, शिक्षण द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुभव बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव बनाता है, यह शिक्षण का प्रभाव मॉडल डैश द्वारा विकसित किया गया, तो जॉन लॉक द्वारा। शिक्षण का एक अन्योन्य क्रिया मॉडल डैश द्वारा डिजाइन किया गया, एन ए फ्लेंडर, वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिसने जिगसॉ गतिविधि डिजाइन की पूछा जाता है, तो इलियट एरोंसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, निम्नलिखित में से एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सहायक सामग्री नहीं है, तो प्राकृतिक खोज। इसमें सहायक सामग्री TLM पूछा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ग्लोब्स हैं, चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, लेकिन प्राकृतिक खोज नहीं है, ये तो बच्चा खुद जा रहा है ना करने, नेचुरल है। 167 है, आपने उसको बनाया नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है। निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सामाजिक अन्योन क्रियाओं के माध्यम से बहु सामग्री का अध्ययन डैश कहलाता है, तो भाई क्या कहलाता है, एम लर्निंग। 168 है, गणित में लेखन को शामिल करने की रणनीति है, अगर आप गणित में लेखन को शामिल करें लिखने को, तो उसकी क्या रणनीति, तो लिखने से पहले विद्यार्थियों द्वारा उनके विचारों पर चर्चा करवाई जानी चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 156 की, और
पहचाने और उन्हें प्रस्ताव विधि और तकनीक के क्रम में लगाया वो थे एडवर्ड एटॉर्नी। विद्यार्थी तृतीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में डैश से पहले सक्षम होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर से पहले, उच्च प्राथमिक स्तर में कौन सी क्लासेस आती है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। 162 है, विज्ञान के इतिहास में प्रथम बार किसने अपनी दूरबीन आकाश की ओर उठाई और चौंकाने वाली खोज की? गैलीलियो। पता है ना इसका आंसर सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इनका हिसाब किताब खुद देख लेना। मैथ्स मैं सच बता रही हूँ, मेरी मैथ्स बहुत बेकार है और मुझे समझ ही नहीं आता पूछ क्या रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना ही ज़रूरी नहीं समझती, सीधा स्किप करो। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने आंसर टिक कर दिए हैं और कहीं किसी का कोई आंसर गलत हो तो बता देना ज़रूर। ऐसे मैंने सारे ये गूगल से फाइंड आउट करके इनके आंसर टिक किए हैं ताकि आप सॉल्व करें। तो ये मसापा वाले तो आते हैं, इतनी भी बेकार नहीं है। जैसे इसमें 45 आता है, 46 आता है, बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आते भी हैं मैथ्स में, मतलब 5-6 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट कर ही लेती हूँ, लेकिन हाल ये है कि समझाया नहीं जाता क्योंकि मुझे ही बहुत मुश्किल से समझ आती है चीज़ें। तो रीजनिंग में भी 3 क्वेश्चन मैंने बताया कि नहीं समझ आए, तो जो नहीं समझ आता सीधे सीधे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि नहीं आता, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन देख लेना आप अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, यह कह सकते हैं कि गणित में सत्य को डैश के साथ स्थापित किया जा सकता है? तो तर्क, ठीक है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हमारा है मिथेमेटिकल डिस्कवरी, पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज पोलिया ने। गणित का अध्ययन तार्किक और डैश विचार योग्यताएं विकसित करने का एक माध्यम है? तो मात्रात्मक। डैश विचार समस्या समाधान और समस्याएं रोकने से बना है, कौन सा विचार? गणितीय विचारण, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक सुविधा राज्य स्कूलों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है? तो कमरे का आकार, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड राज्य जो हमारे जो होते हैं ये राज्य स्कूलों द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। चंडीगढ़ की भाषा सबको लगेगा पंजाबी है, लेकिन इसका आंसर गलत है, अंग्रेजी चंडीगढ़ की राजभाषा है। उपकरण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों में मात्रात्मक होते हैं और तदनुसार विश्लेषित होते हैं, वह डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? आंकड़ा विश्लेषण, ठीक है, डाटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 147 है, डैश एक संप्रेक्षण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है? तो भाषा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक हमारा ये लास्ट पेज है। SEN का विस्तार रूप है क्या? है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, SEN, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, पाई पता ही है सबको। सॉरी, ये रहा पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.142, ये होता है ना अपना 22/7, अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। डैश को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु तो नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो HBCSE की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। डार्विन्स डेंजर्स आइडिया, पुस्तक किसने लिखी है? डेनियल डेनेट ने, तो इसको DD से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्राकृतिक परिघटना एक सीमित सामान्य प्रयोग में एकत्रित और प्रणालीगत अध्ययन डैश कहलाता है? तो वो हमारा विज्ञान है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 153, विज्ञान की एक विषय सामग्री किसी को डैश कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है? तो समस्या समाधान विधि। निम्नलिखित में से एक क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है, जो हमारे रिएक्शन रिसर्च होती है तो उसमें बच्चों को विद्यालय ले जाने के लिए नहीं प्रेरित नहीं कर सकते हम। एक एक्शन रिसर्च हमारी होती है कि स्कूल के स्कूल के कार्यात्मक जो फंक्शन चल रहा है अभी उस टाइम उसमें सुधार करना, बच्चों को उनके अध्ययन स्तर पे ऊंचा उठाना और प्रभावी अध्ययन के लिए स्वस्थ और संज्ञानात्मक पर्यावरण आयोजित। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे को आप बिल्कुल ऐसे लेकर ही आ रहे हो घर से, ठीक है, कि विद्यालय आओ आओ आओ, इस पर एक्शन रिसर्च नहीं होती है, ये टॉपिक नहीं हो सकता एक्शन रिसर्च का, सिंपल सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है? तो केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
इन्होंने बोला है कौन सा द्विभाषी विधि का, जो दूसरी भाषा अगर बच्चा सिखाता है, मतलब सिद्धांत है, अगर टीचर सिखा रहा है, टीचर केवल मातृभाषा के प्रयोग कर रहा है तो वो सिखाते दूसरी भाषा नहीं सिखा पाएगा ना। शब्दांश अनुवाद, वो अनुवाद कर सकता है। प्रत्यक्ष विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, जैसे हम ये हमने ना कोई गाय छापी हुई है, एक एक मान लो ये फ्लैश कार्ड है, गाय छापी है, ठीक है, तो हम इसको गाय बोलेंगे, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि होती है हमारी, मतलब दिखाकर सिखाना, जैसे हम उस पर कैट बनी हुई, मतलब इसमें बेसिकली हम लोग पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये गाय है, तो उसको जहाँ भी वो पिक्चर दिखेगी वो गाय बोलेगा, या बैल बोलेगा, या चिड़िया बोलेगा, उसको जो भी दिखेगा, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि होती है। कृत्रिम स्थिति बनाने की आवश्यकता है बिल्कुल, अगर आप बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाना चाहते तो आप एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी रहते हैं पेजेस, मुझे लगा लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, पियाजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ डैश पूर्णतः डैश व्यवहारों के माध्यम से अन्योन की क्रिया करता है, तो वो प्रतिक्रियात्मक, ठीक है, वो प्रतिक्रिया भी करता है, ऐसा नहीं है बस सब कुछ लिए जा रहा है एनवायरनमेंट से, अपनी भी बुद्धि लगाता है वो। 133 है, आरंभिक कल्पनात्मक भय डैश की आयु तक गायब हो जाते हैं, तो 12 वर्ष तक, ठीक है। डैश का उद्देश्य बालक के संसाधनों को एकत्रित करना और नई स्थिति को पूरा करने के लिए गतिविधि के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना है, तो प्रेरणा, मोटिवेशन। डैश और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आनुवांशिक और पर्यावरण का ज्ञान हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बच्चों में सुधार लाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो विकास, डेवलपमेंट। विकास की दिशा हमारी सिफेलोकॉडल भी होती है और प्रॉक्सिमो डिस्टल भी होती है, तो ए और बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, तो माता के गर्भ में पर्यावरण। एक शिशु का रेंगने वाला मील का पत्थर डैश आयु के माह में साबित होता है, तो 7 से 10 माह में, ठीक है, मील का पत्थर साबित होता है जब बच्चा रेंग रेंग के चलता है, क्रॉलिंग करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा वही मैथ्स का है, तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ इसको, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर मैंने टिक किया, और सॉल्व ज़रूर करना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं। और जिनके भी मैथ्स वीक है मेरी तरह, उनको एक ही सलाह देना चाहूँगी मैं, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें अपना 100% दूँ, क्योंकि यहाँ तो आप मतलब नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, देखो मतलब विल पावर होनी चाहिए, तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मैथ्स में अगर वो विल पावर काम नहीं कर रही है, तो आपका एटलीस्ट जो सब्जेक्ट अच्छा है आप उसमें 100% दो, वहाँ पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें ये भी नहीं है कि आप इसको पूरा का पूरा छोड़ के आ गए, तो थोड़ा बहुत तो इसमें से भी करना पड़ेगा, ऐसे हम इसको बिल्कुल भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, तो यही है, ठीक है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे है, यह निश्चित है कि भाषा डैश के में बहुत गहरे बैठी हुई है, तो मानव मस्तिष्क में, ठीक है। भारत जैसे एक देश में लगभग प्रत्येक डैश पर भाषा परिवर्तित होती है, तो 15 से 20 किलोमीटर में। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1600 प्लस एनसीईआरटी में से दिया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भाषा परिवार नहीं है, तो ऑस्ट्रो एशियन है, टिबेटो बर्मन है, द्रविड़ियन है, लेकिन जाट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है, तो 343, यहाँ पे 1 नहीं दिया है ब्रैकेट में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 122, संस्कृत को किस वर्ष एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, 2005 में। भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार डैश के रूप में चिन्हित है, तो मानक भाषा। अब हमारा आई थिंक यही लास्ट था। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। कहीं कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत परेशानी कुछ हो, कमेंट कर सकते हो, जहाँ कहीं लगे किसी का आंसर गलत बता दिया है या उसमें कुछ और होना चाहिए था, तो अपना सजेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। रीजनिंग में 70 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, बाकी ये 3 खुद से कर लेना, और मैथ्स के तो आपको 20 के 20 खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।